करोड़ों के हीरों का मालिक पन्ना का राज परिवार का संपत्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। बीते डेढ़ दशक से वरिष्ठ सदस्य आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन महाराजा की मौत के बाद अब कुछ दिनों की शांति है विवाद एक बार फिर सामने आया है, जिसमें पन्ना राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने महारानी जीत ईश्वरी कुमारी, उनके पति महाराजा राघवेंद्र सिंह, बेटी छत्रसाल और अन्य लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं घर में अवैध रूप से प्रवेश, गाली गलौज, धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद जीतेश्वरी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद जीतेश्वरी कुमारी ने झूठी और बदले की कार्रवाई इस पूरी कार्रवाई को बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति को लेकर पन्ना का सबसे प्रतिष्ठित परिवार बीते दो दशक से एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। इस परिवार में माँ बेटा, सास बहू, भाई बहन के भी रिश्ते तार तार हुए हैं, क्योंकि इसके पूर्व भी कई बार ऐसी मारपीट, गाली गलौज और उपद्रव, संपत्ति हड़पने के आरोप समेत तमाम वारदातें और घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें माँ दिलहर कुमारी की रिपोर्ट पर बेटा राघवेंद्र को एक वर्ष तक तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ा था। अब एक और नया विवाद इस पन्ना राज परिवार से जुड़ा है। देखना होगा आने वाले समय में यह विवाद कहां तक जाता है। जून माह में पन्ना राजघराने में राजमाता दिलहर कुमारी के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया है। वो प्रकरण कोतवाली थाने में 597/21 के रूप में दर्ज है और उस प्रकरण में अनेक आरोपी हैं। पूर्व में एक आरोपी गिरफ्तार होकर माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और आज एक आरोपी की और गिरफ्तारी की गई है, तो आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सिर्फ पन्ना महारानी को भी गिरफ्तार किया गया है। अपराध क्रमांक 597/21 में कोतवाली थाने के प्रकरण में जो आरोपी है निश्चित रूप से उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई और जैसा कि विधिवत कार्रवाई की जाती है उसी प्रकार से उनका मेडिकल परीक्षण उपरांत उनको न्यायालय में पेश किया जाता है। बुंदेली तरकस के लिए पन्ना से ब्यूरो रिपोर्ट।